नमस्कार, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ में राजस्थान पुलिस के दो जवान हैं। मेरे पास में है एवन सिंह और उसके पास में है स्वरूप सिंह। एवन सिंह जालोर पुलिस भर्ती से सेलेक्टेड हैं और आप है जोधपुर आयुक्तालय से सेलेक्टेड हैं। सबसे पहले एवन सिंह और स्वरूप सिंह, आप दोनों को संकल्प परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम बधाई देना चाहते हैं कि छोटी सी उम्र में और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप इस सेवा के अंदर आप आए हो और आपका चयन हुआ है। इसके लिए आपके परिवार को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। संकल्प परिवार में आपका स्वागत बहुमान करना चाहूँगा। बिरा जी, आप सीट पर बैठे रहें। बहुत खुशी की बात है, आज छोटी उम्र में ये प्रतिभाएं मेरे साथ में हैं, स्वरूप सिंह और एवन सिंह। स्वरूप सिंह, मारवाड़ी भाषा अपनी देसी भाषा और उगिरे तो वो देखो यानी और उगिरी वो मधुरता, तो आज कोशिश करो पे कि ये मारवाड़ी जो मैंने बात करो। स्वरूप सिंह, हंगो पहला थोड़ा परिचय दियो, केत मो रहने वाला हो, गांव कयो है और घर परिवार जो सदस्य वो की करे, पिताजी की कौन करे और बारहवीं केत मो की, बारहवीं करने के बाद रे मैंने की अपनो हो तो। स्वरूप सिंह जी, मेरा नाम स्वरूप सिंह है, मेरा गांव तामलोर है गड्डा रोड के पास और मैंने 12वीं क्लास और मैंने 12th चुकी है वो 2020 में ये इंदिरा नगर में सरस्वती स्कूल से की है और मेरा मतलब ऐसा मतलब कोई पहला फिक्स नहीं था कि मतलब ज्वाइन करना राजस्थान पुलिस में जाना था। ठीक है, और ये कोचिंग ले ली, कोचिंग था ये बहुत ही संकल्प में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते सुना था और कोचिंग गई और पहली बार अटेंड की और फिर हो गया, पहली बार में ही मतलब अटेम्प्ट करने में हो गया पुलिस में और मैं जोधपुर आयुक्तालय में मतलब फाइनल हुआ 13वीं रैंक से। अच्छा, और मेरे 105.25 नंबर थे। 105.25 नंबर, बहुत बढ़िया। स्वरूप सिंह, गांव तामलोर है आप रहे ना? हां जी, गड्डा रोड के पास है तामलोर गांव। पापा जी की करे बॉर्डर होमगार्ड, होमगार्ड मेरे पिताजी बॉर्डर होमगार्ड में है पिताजी। अच्छा, कितने भाई हो आप? हम दो भाई, एक 12वीं में पढ़ता है, इधर बाड़मेर में पढ़ता है, 12वीं क्लास में पढ़ता है अभी। अच्छा, 12वीं पढ़ता है। सपनो है तो पुलिस में जाने रहो यार, भले कहीं भी जो हो तो। नहीं सब ऐसा मतलब शुरुआत में कुछ सोचा नहीं था कि पुलिस में जाना है, कोचिंग ले ली, कोचिंग आते जाते थे पढ़ते थे वही पढ़ा, कोचिंग पढ़ा वही पढ़ा और कोई किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ कोचिंग का जो नोट्स लिखवाते थे दिन भर वही पढ़ना, आते थे पढ़ते थे, खाना खाया नहीं खाया पढ़ते, रात को 12 बजे तक 1 बज जाते थे कभी कभी। हाँ, बस कोचिंग का ही बस पढ़ा, हमारे पास अदर कोई किताब ही नहीं थी। अच्छा, एवन सिंह आप बताओ आप परिचय। जी, मारो नाम एवन सिंह है, गाँव आसाड़ी है, मैं 12वीं अपने सिद्धार्थ स्कूल बाड़मेर में की, बाकी मैं हूँ अना मल्लीनाथ कॉलेज हॉस्टल का स्टूडेंट हाँ। जी, मैं बिनी मल्लीनाथ कॉलेज हॉस्टल का स्टूडेंट हाँ। मैं कोचिंग रो सफर थाना सुनाऊँ तो 13 सितंबर ना ये बैच लागू अपने कोचिंग रो संकल्प रो, तो 13 सितंबर वाले दिन पहले दिन तो स्वरूप सिंह जी एक गया कोचिंग देखे है, कोचिंग पढ़ाणो शाम रही आए पास हॉस्टल में जिक्र करो कि चीज है हॉस्टल में कोचिंग में एवं व्यवस्था है, तो हालो अपे जाए देखे हूँ। मैं 11 लड़का था, 11 सुबह कोचिंग आया, बीजो दिन में 11 लड़का आया, 11 आया कोचिंग, माहौल देखियो, बे तीन दिन डेमो चलियो देखियो, बढ़िया ढंग लगा था। सिंदरी चौराहे यहां पर? जी, सिंदरी चौराहे, ए बैच सिंदरी चौराहे। ठीक है, आया बे तीन दिन तक माहौल देखियो, बढ़िया ढंग रो जचियो, तो मां के मैं फीस भरा रही। ठीक है, 11 लड़का फीस भरी, आउ टेस्ट सीरीज चलती, बढ़िया पढ़ाता जबरदस्त, बढ़िया ढंग रो अपने, एक तो कंप्यूटर मां सुख जी, हकीकत मां दक्ष किताब सुख सिंह जी, उरे अलावा मां कुछ भी नहीं पढ़ियो। मैं तो मानता हूं इस चीज को, सुख सिंह जी को मतलब हर बच्चे जो भी आए हैं ना उनको कंप्यूटर में ना मेजो को सुख जी पढ़ाए ना उरे बाद रे में ना पढ़ने की आवश्यकता ही को नहीं थी, और बात है पछे ऊपर ऊपर एक किताब रे दी दक्ष वाली, उगे में अपने की रिवीजन बढ़िया बु जी। ठीक है, यानी एक अपने सरता राजनीति राज को कैलाश जी सर, हकीकत में उमर जो नोट्स लिखाड़ता पूरा हूबहू छपया प्रश्न में, पेपर देखे अटेम्प्ट दे आया मैं, बाकी पछे हॉस्टल में वो टेस्ट सीरीज हती कोचिंग वाली, टेस्ट सीरीज में आपस में मारो मतलब कॉम्पिटिशन रहते हॉस्टल में पाछा 11 लड़का रो, 11 में 9-10 लड़का में हर वार 2000 लड़का टेस्ट देता, वो मैंने टॉप 20 में होता में 10 लड़का 9-10 लड़का, ये कारण आपस में कॉम्पिटिशन एडमिशन वो एडमिशन होने बात हो रहे आपस में मैंने कॉम्पिटिशन आपस में कॉम्पिटिशन, बाकी मारो वास्तविकता में मारो मतलब इरादो नहीं हतो कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर हां या बन हां। ठीक है, कोचिंग रे माध्यम में और उन कोचिंग में आपस में कॉम्पिटिशन के कारण सब चीज आ गए रे। जी, मारी तो
दूसरी लागी, पांचवी लागी, छठी लागी, एड़ी मतलब टॉप टेन मौज रहे तू अधिकतर बिन्ने में दो ही टॉप टेन मौज एक दो बार तो पहली भी लगी थी, फिर तीसरी चौथी, तीसरी चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी। ग्यारह जो थी साथी आता अंतिम मेरिट में बे लड़का हुआ, बाकी दो तीन लड़का है जो वेटिंग में रहा है पॉइंट में, बहुत मतलब नाजुक पॉइंट में रहा है, सितंबर ना बैच लागू है उवी मिना तीन चार दिन पहला मारी 18 साल उम्र हुई थी, उम्र 18 साल हती कोनी, उवी टण में लगभग 11 लड़का 11 में 10 की 11 लड़का री उम्र है लगभग 19.5 मई में था मैं 11 लड़का, ठीक है। उवी में आज बिन्ने फाइनल सिलेक्शन हुआ मारी आज 19 साल उम्र पूरी हुई कोनी है, पहलो अटेम्प्ट तो जिंदगी रो कांस्टेबल है या तो बस बाकी ना तो कोई ना तो कोई एग्जाम था ना तो दिया था वो आ गया ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जीवन रो पहलो अटेम्प्ट लोग पांच छह से अटेम्प्ट दिया करे, दस अटेम्प्ट दिया करे, पहले अटेम्प्ट में नो था एक दिन मन में होचो तो कि मैं पुलिस में लाग जाऊंगा, कोई विचार को 13 सितंबर में पहला कोई विचार नहीं था, कोचिंग में आने में पहला माना मतलब को थे लाग तो वो तो हमारे को बस कोचिंग लेने का हमारा इरादा यही था कि हमारा एक बार बेसिक मजबूत हो जाए, ठीक है। वाकई में हमें ये पता नहीं था कि कोचिंग हमें सिलेक्शन दे देगी, और आज सिलेक्शन हो गया, आज सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी की बात है। ये सिलेक्शन है माथे एक चीज कहना चाहूं अरुण सिंह और सरूप सिंह थान देवानो कि ये एक जीवन री पहली सीढ़ी है जी, और इस पहली सीढ़ी में आप चढ़ गए हो, अभी लंबा सफर तय करना बाकी है जी, तो आप लोग अब इसको अंतिम मत समझना, क्योंकि अच्छा अंतिम समझोगे तो भी अब आपके पास 40 साल की नौकरी है, सीधी सी बात 40 साल में सब इंस्पेक्टर से आप लोग रिटायरमेंट होकर के घर आओगे, लेकिन अगर आप और अच्छी तैयारी करते हो और सब इंस्पेक्टर पे आप पहुंच जाते हो जितना जल्दी, तो बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाओगे, और अभी लगातार कंटिन्यू इस विभाग में रह करके और निरंतर मेहनत करते रहे, मेहनत कर घर वालों के पास में जब ये सूचना पहुंची कि एवं सिंह स्वरूप सिंह तो पुलिस में लगा रहे, गांव वाले मान नहीं रहे आपको, हो गया मान ही नहीं रहे, जल्दी हो गया कि हो गया आपका, आपसे कितने बड़े बड़े बैठे है आपका कैसे हो गया, हो गया तो पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा वो जॉइनिंग लेटर आएगा उसके बाद ही मानेंगे। एक चीज भले स्वरूप सिंह में एक चीज देखी रेवन सिंह जी, आजकल की वह करे कि लोग कोचिंग तो करे लेकिन वो कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़े, और की करे दूसरी किताबों बाजार में लावेला खूब सारी किताब ला, इतनी सारा पोथा इकट्ठा करे उन्होंने पढ़ेला, पैसा कोचिंग में जमा करावेला लेकिन वो कोचिंग में नोट्स नहीं पढ़िया करे, जबकि वो तो नहीं आपने देखा, आप भले हिस्ट्री रे देख लो मारे पढ़ाया हुआ, ज्योग्राफी भवर जी रे देख लो, कला संस्कृति अरविंद जी के देख लो, मतलब हर किसी के आप नोट्स मिला लो, साइंस में आप सेजू सर के देख लो नोट्स मिलान कर दीजिए, मोहित सर का करण जी के, रीजनिंग में तो खूब प्रैक्टिस अलग से गोदारा सर कंटिन्यू करवाते हैं, तो आप इन सब नोट्स का संग्रह देखोगे इतने सारा संग्रह हो जाता है, दूसरा पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है, कोई जरूरी नहीं। मैं वास्तविकता में जो म्याली राय है कि जो अलग पढ़े रहा वो गलती कर रहा, माँ गुड़ी नहीं तो कोई बीजा नोट्स था नहीं तो कोई अदर एक्टिविटी थी, मैं बेसिक तैयार करना कोचिंग ली थी वही माँ सिर्फ मारा कोचिंग का नोट्स था, बाकी जो कोचिंग बुक दिए थे स्पेशल मतलब अपने जिला दर्शन थी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब थी हमारे लिए, जिला दर्शन थी दक्ष थी से किताब निकाले, बस एक किताब आते बाकी नोट्स था, बाकी माँ गुड़ी नहीं तो कोई बीजू कोई विकल्प तो बीजू कुछ माँ मतलब अदर एक्टिविटी कहीं ली को नहीं। आज लड़का भी यही कह रहा है कि कांकर थाना रुपया द्वारा माना वो कोचिंग वाला नोट्स दियो वास्तविकता है 2000 ले लो 3000 ले लो माना नोट्स, हां नोट्स के लिए 2000 ले लो यार, बोले आपको नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, क्या बात है, अब क्या बेटे समझ नहीं आ रहा, मतलब बस वो यही कह रहे हैं हम पढ़े क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ नोट्स पढ़े है इसका मतलब सिलेक्शन का आधार नोट्स ही है, आप नोट्स दे दो जितने आप बोलो उतने पैसे दे देंगे, सही बात। अब उनको ये भी लग रहा है कि अब पढ़ना क्या है जी, वही दिक्कत है होगी कि वास्तव में पढ़ने की है, हाँ सही बात है एवं सिंह, आपने सही निर्णय लियो, और आने वाला जो विद्यार्थी है ना वो अगर आप वीडियो देखे ला ना, उन्होंने खुद ने भी ये महसूस वेला की मोनो नोट्स पढ़ना चाहिए,
अच्छा नोट्स ना बार बार पढ़ना चाहिए जी। एक चीज भले बताओ एवं सिंह, हम थोड़े 4-5 दिन पहले की बात है, अपने कोचिंग में एक IAS अधिकारी पधारे जी, जब उन्होंने बात की कि मैं एक किताब 500 बार पढ़ी जी, एक किताब को 500 बार पढ़ा, एम लक्ष्मीकांत के मैंने 500 बार पढ़ा। तो 500 बार अगर अपन नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 100 बार, 200 बार उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए, उन्हीं किताबों को पढ़ना चाहिए। हमने भी नोट लगे तीन बार पढ़ ली थी। 10-20 देखो किताब है ना जिला दर्शन, यहाँ वहाँ 3-3, 4-4 कोई पढ़ी रहे, अंडरलाइन में भरे उड़े पड़े किताब। सही बात है। अब आप बताओ 3-4 बार पढ़ने से इस मुकाम पर पहुंचे हो, अगर 500 बार अगर कोई किताब पढ़ो तो हमें जो कुछ, हम अब इस जगह पे बैठे हैं, जो कुछ भी है हमारे हिसाब से, हमारी राय से, हम कोचिंग की वजह से, न तो हमारा कोई इरादा था पुलिस में जाने का, न तो कोई मतलब लग रहा था कि हम पुलिस में जा सकते हैं, क्योंकि उस समय न तो कोई पढ़ाई थी, सीधा 18 साल की उम्र हुई, सीधा कोचिंग ली, कोचिंग में जो माहौल देखा उसके आधार पर हमने आपस में कंपटीशन ले लिया, हॉस्टल के सब लड़के थे 11 लड़के, उन्होंने आपस में कंपटीशन लिया, उस आधार पर हमने टेस्ट सीरीज थी कोचिंग की, कुल 30 टेस्ट हुए थे, सब में बेटर किया और आज इस मुकाम पर है, आज पहुंच गए। बहुत बढ़िया बात है एवं सिंह, आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर बधाई, और आपके दोस्तों के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो तो हो जाएगा जो वेटिंग के पॉइंट के अंदर है, वो तो होने हैं, सही, फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप निराश ना हो, हिम्मत ना हारे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार अगर असफल हो जाते हो तो आपके दरवाजे हमेशा बंद हो जाएंगे, आप नेक्स्ट प्रयास करें, अच्छे से प्रयास करें। और अब आज कल मैंने न्यूज में, आज की न्यूज है मेरे पास में, कि 13,000 कांस्टेबल के पद खाली है, तो आप मान के चलो कि 10,000 की विज्ञप्ति जारी हो सकती है जी। बहुत अच्छा मौका है, निरंतर तैयारी करें। और आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके छोटे भाई वगैरह जो भी हो और जो भी नोट्स मांग रहे हैं तो उनको फोटोकॉपी करके दे जी, यहाँ विकल्प फोटोकॉपी है, बाकी सबको एक साथ नहीं चलता सकते, पैसे तो लेना मत किसी जी, उनको बोलना हमारे भी काम आ सकते हैं, आप अपने ओरिजिनल तो आपके पास रखो, अगर कोई मांग रहा है कि ये मेरे पास पड़े आप फोटोकॉपी ले लो। फोन आ रहे राजसमंद से, जयपुर से, धौलपुर से लड़कों को फोन आ रहे, आपने नोट्स दे दो, नोट्स दे दो जी, जो फिजिकल में हमारे साथ थे उन्होंने देखा। बिल्कुल, अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स किताबें भी निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी बाजार में ऐसी किताबें निकाल देंगे कि किसी भी बच्चे को राजस्थान की किसी भी कोने में अगर बैठा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी जी। इतना तरीके से नोट्स तैयार करवा रहे हैं जो जबकि उनके पास में पहुंच जाएंगे, और हम लोग तो हेल्प करेंगे, आप लोग भी जरूर हेल्प करना, क्योंकि किसी के अपने नोट से, आपके पढ़े हुए नोट से किसी की नौकरी लगती है जी। तो ये आपके लिए भी एक उपलब्धि होगी जी। तो आप दोनों स्टूडियो पधारे और आपने सफलता की खुशी आज संकल्प परिवार में आकर के साझा की, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जय हिंद जय भारत।